गुजरात में बहुत जोर शोर के साथ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, दिन दूना रात चौगुना आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन को गाली दे रहे हैं। तो इसके कारण से कि भाई ये तो दिल्ली जीत गए, ये पंजाब जीत गए, ये गुजरात जीत जाएंगे, फिर पूरा देश जीत जाएंगे, तो केजरीवाल को क्रश कर दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो। आज जहां एक तरफ पूरा देश महंगाई से कराह रहा है, नौजवान बेरोजगारी से आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, देश के अंदर जो सरकार चल रही है उस सरकार को चिंता होनी चाहिए कि महंगाई कैसे दूर करेंगे, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, कैसे इन विकराल समस्याओं का समाधान खोजेंगे। लेकिन 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार साजिश रचने में, गंदी राजनीति करने में, गिरफ्तारियां करने में, मुकदमे लगाने में अपना पूरा समय बर्बाद कर रही है। और इनका एक ही लक्ष्य है, आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर दो, अरविंद केजरीवाल को क्रश कर दो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुचल दो। एक ही लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके पीछे कारण क्या है? 3 बार दिल्ली जीत गए, पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई, और अब गुजरात में बहुत जोर शोर के साथ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, दिन दूना रात चौगुना आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन को गाली दे रहे हैं, दुखी है लोग। तो इसके कारण से कि भाई ये तो दिल्ली जीत गए, ये पंजाब जीत गए, ये गुजरात जीत जाएंगे, फिर पूरा देश जीत जाएंगे, तो केजरीवाल को क्रश कर दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो। ये पूरा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चला रखा है, केंद्र की मोदी जी की सरकार ने चला रखा है। कल आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक छोटे कार्यकर्ता विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय नायर कौन है? आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन का काम देखते हैं। पंजाब में विजय नायर ने कम्युनिकेशन का काम देखा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से वहां पे सरकार बनी, अभी गुजरात के अंदर भी कम्युनिकेशन का काम विजय नायर देख रहे थे, और सारी दिक्कत सारी परेशानी विजय नायर से इसलिए थी कि गुजरात में कम्युनिकेशन का काम कैसे देख रहे हैं विजय नायर। कई बार उसके घर पे छापे मारे, घंटों घंटों बुला के पूछताछ की, कुछ नहीं निकला, जबरन दबाव बनाते थे एक ही चीज के लिए कि मनीष सिसोदिया का नाम लो, मनीष सिसोदिया का नाम लो, मनीष सिसोदिया को फंसाना है, मनीष सिसोदिया को कैसे जेल में डालना है। तो इनका यही काम है, पहले सत्येन जैन को एक फर्जी मामले में कई महीनों से गिरफ्तार करके जेल में रखा, फिर अमानतुल्ला खान को पकड़ के जेल में रखा, फिर अब विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। विजय नायर का एक्साइज पॉलिसी से क्या लेना देना है? इस पूरी शराब नीति से उनका क्या लेना देना है? विजय नायर जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन का काम देखता है, उसको आपने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया, और दबाव क्या बना रहे? मनीष सिसोदिया का नाम लो। तो पहले सत्येन जैन, फिर अमानतुल्ला, फिर विजय नायर, फिर मनीष सिसोदिया को अगले हफ्ते गिरफ्तार कर लेंगे। यही काम भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, इनके जिम्मे और कोई दूसरा काम नहीं है। दिन रात एक ही लक्ष्य, केजरीवाल की
बढ़ती हुई लोकप्रियता को कुचलो, आम आदमी पार्टी को क्रश करो, इनके कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करो। और आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। भारत की आजादी के लिए 23 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति देने वाले उस युवा क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, शहीद आजम भगत सिंह ने जेल की सजा काट के हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया। और आज वक्त आ गया है कि पूरे देश का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बेरोजगारी के इस विकराल समस्या से, महंगाई की इस विकराल समस्या से, भुखमरी की इस विकराल समस्या से, अन्नदाताओं पर हो रहे संकट की समस्या से इस देश को आजाद करने के लिए संघर्ष करे, आंदोलन करे, जेल जाने के लिए तैयार रहे, हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहे। और इसलिए एक एक कार्यकर्ता और खास तौर से गुजरात के कार्यकर्ता, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, उनके नेतृत्व में हम पूरे देश के अंदर जन मुद्दों पर संघर्ष करेंगे। और जेल जाने के लिए पूरी तैयारी कर लीजिए, जिसको जिसको, अब जब ये विजय नायर को गिरफ्तार कर सकते हैं तो किसी भी कार्यकर्ता को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। सारे कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हो जाइए। हमको महंगाई से, बेरोजगारी से, इन तमाम विकट समस्याओं से जो देश के सामने एक बड़ी चुनौती बन के है, उससे इस देश को आजाद कराना है। इसके लिए जेल जाना होगा, जेल जाएंगे, लाठी खाना होगा, लाठी खाएंगे, मुकदमे लिखवाना होगा, मुकदमे लिखवाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ता लड़ने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं। जिनको डर लगता है उनके लिए आम आदमी पार्टी नहीं है। जो मजबूती से, बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, आम आदमी पार्टी उनके लिए बनी हुई है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में आज जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये इनकी गुजरात की हार की हताशा को दर्शाता है। और आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रही है और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के दम पर हम इस दूसरी आजादी की लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। आपके कोई प्रश्न हो? संजय जी, विजय नायक के अलावा संजय महंत्रू जो यूनाइटेड स्टेट के हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया, तो कैसे देखें, क्योंकि एक के बाद गिरफ्तारियां हो रही हैं। नहीं, मैं तो आम आदमी पार्टी के विषय में बता सकता हूं, और विजय नायर का आम आदमी पार्टी से जो रिश्ता था वो कम्युनिकेशन इंचार्ज के रूप में काम कर रहे थे, गुजरात के लिए भी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, गुजरात के चुनाव के लिए वहां कम्युनिकेशन का काम देख रहे थे, और इसी दौरान इनकी गिरफ्तारी की गई। अब अगला नंबर मनीष सिसोदिया का भी आ सकता है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आप बताइए, एमसीडी के चुनाव के प्रभारी दुर्गेश पाठक, उनका क्या लेना देना है शराब की नीति से? कम्युनिकेशन के इंचार्ज विजय नायर, क्या लेना देना है शराब नीति से? उठा के आप जेल में डालना चाहते हैं, डालिए जी। उनका एफआईआर में नाम था, दोनों का ही नाम था एफआईआर में, किसी ने दर्ज की थी, इसलिए उनको पूछताछ की और अरेस्ट किया, तो इस पे नहीं, मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं, दो तीन बार छापेमारी की विजय नायर के यहां, कुछ नहीं मिला, घंटों घंटों रोज बुला के पूछताछ करते थे, कुछ हासिल नहीं हुआ। मकसद क्या था? मनीष सिसोदिया का नाम लो, मनीष सिसोदिया का नाम लो, जिससे मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करने में उनको आसानी हो। तो ऐसा आप
झूठा बयान देने के लिए, दबाव बनाने के लिए किसी को भी आप मारपीट करके गिरफ्तार करके बयान दिलवा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को क्रश करने और कुचलने की एक मुहिम चला रही भारतीय जनता पार्टी। देश के अंदर कोई भी संस्था गैर कानूनी काम करती है, देश में नफरत फैलाने का काम करती है, उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न? आपको लगता है कि पीएफआई ये सब काम करती है? वो सारे साक्ष्य जिन जांच एजेंसियों ने पकड़ा है, कार्रवाई की है, वो सारे साक्ष्य रखेंगे।